से नाचके हम बरसी से चले हम बादल सा घर छे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम ओ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन LSKOFIT क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली गोल सेटिंग से रिगार्डिंग है। देखो, हर बंदे का एक सपना होता है, हर बंदे का एक गोल होता है कि उसे लाइफ में क्या चीज़ अचीव करनी है। तो जो भी चीज़ लाइफ में आप गेट करना चाहते हैं तो दैट इज़ द गोल। गोल सेटिंग हर बंदे को अपने हिसाब से मैनेज करनी चाहिए। हर बंदे का अपना एक अलग टारगेट होता है, फॉलो नहीं कर सकता किसी बंदे को। हर बंदा अपना खुद अपना एक टारगेट डिक्लेयर करता है। आज हमारा जो टॉपिक इसी से रिगार्डिंग है कि आपको अपना गोल किस तरीके से सेट करना है और किस तरीके से आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। नाउ, ए मैन वॉज ट्रेवलिंग एंड स्टॉप एट द इंटरसेक्शन। ए मैन जो है वो ट्रेवलिंग कर रहा था और एक जगह जाकर के रुक जाता है। इंटरसेक्शन इज अ पार्ट जहाँ पे मल्टीपल वेज निकलते हैं, बहुत सारे रास्ते एक साथ निकलते हैं। ही आस्क एन एल्डरली मैन, उसने एक आदमी से पूछा, वेयर डज दिस रोड टेक मी, ये रोड मुझे कहाँ ले जा सकता है। द एल्डरली मैन आस्क, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, उस आदमी ने उससे पूछा, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। द मैन रिप्लाइड, आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता। द एल्डरली मैन सेड, देन टेक एनी रोड, जब आप नहीं जानते तो कोई भी रोड ले लीजिए। What difference does it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब पॉइंट सही, जब आपको पता ही नहीं है तो आप किसी भी रोड पे चले जाइए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। How true is that? ये कितना सही है। When we do not know where we are going, then any road will take us there. जब हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है तो कोई भी रोड हमें वहाँ तक ले जा सकता है। यही हमारी लाइफ है। जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो हम किसी भी वे में जा सकते हैं। सो इन द लाइफ वी नीड टू हैव ए क्लियर विजन ऑफ वट वी विल डू। तो हमारी ज़िंदगी में एक क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट एक विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमें यहाँ पहुँचना है। एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, और हम कहाँ जाना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि फर्स्ट रन आप अपनी लाइफ के गोल डिक्लेयर करें एंड देन उसको अचीव करें। दैट इज़ अ प्लान। एक फिगर है यहाँ पर, फर्स्ट वन सेट ए गोल, सेकेंड वन जो आपने गोल डिक्लेयर किया है अब उसको अचीव करना, तो उसकी क्या तैयार करोगे, एक प्लान बनाइए। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, स्टिक टू इट, जो भी आपने प्लान तैयार किया है उस पर स्टिक रहिए। ऐसा नहीं है कि आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे। देन अचीव योर गोल। अगर आप इन प्रॉपर पॉइंट्स पे चलते जाओगे तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नाउ, गोल सेटिंग इज़ ए वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। मतलब आपका गोल सेटिंग जो है वो हर केस में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ। मतलब जो गोल सेटिंग है वो आपको डिक्लेयर करते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। वेयर डू वॉन्ट टू बी, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, एंड हाउ यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर, और आप अपने फ्यूचर से क्या चाहते हैं, मतलब इन भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तो ऑल दीज आर द पॉइंट ऑफ गोल सेटिंग। नाउ लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट वन अमित और सेकेंड वन इज रहमान। नाउ अमित हैज़ जस्ट पास्ड क्लास 10th इन दिस ईयर, मतलब उसने इस साल अपनी 10वीं क्लास पास की है। अमित वॉन्ट टू डू ए कोर्स इन हॉस्पिटलिटी एंड वर्क इन द होटल इंडस्ट्री। मतलब वो एक हॉस्पिटलिटी से रिगार्डिंग एक कोर्स करना चाहता है, और किस जॉब में जॉब करेगा, होटल इंडस्ट्रीज के अंदर। बाई डूइंग दिस जॉब अमित वॉन्ट टू सपोर्ट हिज फैमिली। अमित अपनी फैमिली को क्या करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है। नाउ सेकेंड रहमान। रहमान इज 43 ईयर ओल्ड, ही वर्क एट ए न्यूज़पेपर एजेंसी एंड अर्न वेल। एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता और अच्छा कमाता है। ही वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज इन द नेक्स्ट 3 मंथ। वो अपने अगले 3 महीने में कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो दीज आर द टू डिफरेंट पर्सन, और इनके दोनों के अपने अपने क्या हैं, अलग अलग गोल हैं। नाउ गोल आर द सेट ऑफ ड्रीम्स विद डेडलाइन टू अचीव देम। गोल्स क्या होते हैं, आपके अपने सपने होते हैं और जो एक डेडलाइन में आपको पूरे करने हैं। डेडलाइन का मतलब जैसे आपको मान लो अमीर बनना है, देन ये नहीं पॉइंट कर सकते कितने दिन बनना है, या आपको कोई भी क्लास पास करनी है, तो इट मीन्स आपके पास एक टाइम बाउंड है। अपना एक टाइम बाउंड करिए कि इतने टाइम तक मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
creating a group of volunteers from the community in the next 3 months who will take up a cleaning drive every 15 days in the locality. मतलब हमें अगले 3 महीने में अपने वॉलेंटियर की ग्रुप बनाना है जो हमारे समाज के अंदर जो आसपास का एरिया है उसको साफ कर सकें. गोल सेटिंग इन ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स. गोल सेटिंग क्या है कि आपका अपने जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, उन सबको फाइंड करना और उसकी एक लिस्ट बनाना ताकि उनको टाइमिंग के अकॉर्डिंगली पूरा किया जा सके. फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्लानिंग तैयार की जाती है. गोल्स हेल्प अस टू सेपरेट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एंड व्हाट इज़ नॉट. मतलब गोल सेटिंग हमें ये चीज़ डिफाइन करता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इट हेल्प यू टू फोकस ऑन द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ लेस इम्पोर्टेंट वन. मतलब ये कहाँ पे फोकस करवाएगा हमारे पास, रिजल्ट्स के ऊपर. काम की बजाय किस पे फोकस करेंगे, रिजल्ट्स के ऊपर. दिस विल मेक अस सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ. ये आपको सक्सेस बनाता है अपने करियर के अंदर और आपके अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर. नाउ कुछ पॉइंट्स हैं. स्पेसिफिक मीन्स समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, कि आप अपने गोल के प्रति स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए कि हाँ मुझे ये करना है. मीजरेबल मीन्स समटाइम्स दैट यू कैन बी मीजर्ड, और साथ साथ उसको मीजर्ड जरूर करते रहिए कि मतलब जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं दैट इज़ गुड और नॉट. अचीवेबल मीन्स समटाइम्स दैट कैन बी कम्प्लीट. अचीवेबल का मतलब ये गोल है जिसको आप पूरा कर सकते हैं. रियलिस्टिक मीन्स समथिंग दैट रियल इन द अप्लीकेबल इन योर लाइफ. मतलब कुछ ऐसा गोल डिक्लेयर करो जो रियलिस्टिक हो. रियलिस्टिक का मतलब कि एक्चुअल में पॉसिबल हो. कई बार हम ऐसे गोल बना लेते हैं जो इम्पॉसिबल हैं, तो इस तरह के गोल डिक्लेयर नहीं करने हैं. टाइम बाउंड मीन्स द गोल हैज़ टू बी कम्प्लीट विद इन ए सर्टेन फिक्स टाइम. टाइम बाउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लो आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो एक टाइम बाउंड बहुत ज़रूरी है. जैसे आपको जॉब करनी है तो जॉब करने का एक टाइम बाउंड है कि 2 से 3 साल के अंदर आप एक गवर्नमेंट जॉब गेट कर सकते हैं. मान लो आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक जॉब करनी है, बट टाइम बाउंड नहीं डाल दिया कितना टाइम में करनी है, तो आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे. टाइम बाउंड इज़ द मस्ट, कि आपको फिक्स टाइम पे कोई भी काम पूरा करना है. हाउ टू सेट गोल्स. वी कैन यूज़ द स्मार्ट मॉडल टू गेट स्मार्ट स्टैंडर्ड. मतलब आप अपने गोल को सेट करने के लिए जैसे एक वर्ड दिया है यहाँ पे स्मार्ट. स्मार्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके 5 डिफरेंट पॉइंट हैं. स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड. एक स्पेसिफिक जिसको मीजर किया जा सके, अचीव किया जा सके, रियलिस्टिक हो और उसके साथ साथ उसमें टाइम बाउंड हो. ये सब चीज़ें गोल सेट करने का एक पार्ट है. नाउ हाउ टू मेक गोल स्मार्ट, कैसे बनाते हैं. जैसे फर्स्ट वन क्या है, स्पेसिफिक. स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चंस. हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस गोल, कि आपका जो गोल अचीव करना है इसमें कौन कौन बंदे शामिल होंगे. वट डू आई वॉन्ट टू डू, मुझे क्या करना है. वेर डू आई स्टार्ट, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है. वेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, कब मैं इसको स्टार्ट करूँ और कब मैं इसको फिनिश करूँ. नॉन एग्जाम्पल, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश स्पीक करनी सीखनी है. एग्जाम्पल, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाई ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेज आफ्टर माई स्कूल एवरी डे. मुझे अपने स्कूल के बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है. एंड इन 6 मंथ आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, और 6 महीने में मुझे अपने स्कूल में इंटर स्टेट जो कंपटीशन है उसमें डिबेट करनी है. नाउ दैट इज अ योर गोल. नाउ मिजरेबल, ए मिजरेबल गोल आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितनी देर में, हाउ मैनी, एंड हाउ आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट, और आपको पता होना चाहिए कि आप ये रिजल्ट कैसे अचीव कर सकते हैं. नॉन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई स्टेमिना, मुझे अपना स्टेमिना इंक्रीज करना है. आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट बाई 5 kg एंड डेवलप स्टेमिना टू बी एबल टू रन 10 किलोमीटर इन 45 मिनट्स इन नेक्स्ट 6 मंथ, कि मुझे अपना स्टेमिना इंक्रीज करना है और अगले 6 महीने में मुझे अपना वेट कम करना है और 10 किलोमीटर रनिंग करनी है इन 45 मिनट्स में. तो दीज आर द गोल्स. मेजर भी कर दिया आपने, अचीवेबल कि आपको अचीवेबल भी होना चाहिए. ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इंटू स्मॉलर पार्ट्स, आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करिए. आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर इन ए स्कूल, मुझे स्कूल में क्या बनना है, टीचर बनना है. ब्रेक इंटू द स्मॉलर गोल्स, कंप्लीट हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, बीएड, अप्लाई फॉर जॉब इन द टीचिंग फील्ड. दैट इज अ पार्ट. अगर आपको टीचर बनना तो आपकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. नाउ
रियलिस्टिक रियलिस्टिक गोल्स वुड बी समटाइम्स दैट यू वांट टू कैन वर्क टुवर्ड फॉर अचीविंग द गोल. रियलिस्टिक वो है जिसको अब वास्तव में वो चीज़ें पॉसिबल हैं. आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस इन वन डे एंड गेट गुड मार्क्स. मैं अपने पूरे सिलेबस को एक साल के सिलेबस को एक दिन पढ़ूंगा और अच्छे नंबर ले लूँगा. ये पॉसिबल है. एग्जाम्पल आई स्पेंड 3 hours एवरी डे ऑफ द ईयर एंड आफ्टर स्कूल रिवाइज माई सब्जेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्पल. दैट इज द एग्जाम्पल. क्या आप इस तरीके से अपना गोल अचीव कर सकते हैं कि मैं 3 hours डेली पढ़ाई करूँगा और उसके बाद रिवाइज करूँगा घर आने के बाद और मैं अच्छे नंबर ले सकता हूँ. नेक्स्ट इज द टाइम बाउंड. स्मार्ट गोल शुड हैव ए टाइम फ्रेम. एक टाइम के अंदर होना चाहिए. एग्जाम्पल गिवन है बाई वेन द गोल नीड टू बी अचीव्ड कि आप इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं. दिस एनकरेज टू टेक ए एक्शन टू कम्प्लीट फुलफिल द गोल. मतलब कोई भी एक्शन आप यूज करिए अपने गोल को पूरा करने के लिए. तो दैट इज अवर चैप्टर नंबर 7 कि हाउ टू सेट यूर गोल्स.